राम राम जी, स्वागत आप सारे का मोहित सोनिया व्लॉग्स में। और शायद आपने हमारे जो शॉर्ट्स वाले व्लॉग देखे हैं, मैंने उनमें आपने मेरा पट गया होगा कि हम जा रहे थे रोहतक। और हाँ, सोनिया ने कहा कि भाई बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी है जो अपने जो शॉर्ट्स व्लॉग है जो फेसबुक पर आए हैं वो नहीं देख पाती। कोई कोई लोग है जो फेसबुक को नहीं यूज़ करते, सिर्फ यूट्यूब पर देखे हैं। तो उनको बताया गया कि शनिवार वाला दिन शाम ने गए थे ना, हाँ शुक्रवार ने होने लग गया था वो अपने गल है। शुक्रवार ने हमने जाना था भाई खाना खान खातर, मैं उन्होंने सोचा था कई दिन हो गए ग्रीन वैली का थोड़ा सा बढ़िया सा चटपटा सा खाना खा आते हैं। और गाड़ी नहीं स्टार्ट हुई तो फिर धक्का दुक्का महा मैं पजामा कुर्ता पैर गए तैयार होकर गया। हाँ सोनिया बोली तो रहने दे क्यों पैर है, मैं यार पैर लूँ आज जी सा करा था मेरा। तो कुल मिला के बात है सोनिया ने कहा कि वो पजामा कुर्ता तू पैर है तो उसकी वजह तो है, बाकी सब कुछ है को नहीं। तो धक्के दुक्के मार के स्टार्ट करने की कोशिश करी लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो मैं हमने एस्टिमेट लगा दिया, मैं कहा यार या शायद इसकी बैटरी में दिक्कत है। तो अगला दिन सवेरे सवेरे मैं लेके आया मैकेनिक ने बुला के स्टार्ट कर दी उसने गाड़ी अपनी एक बार, सोनिया ने क्लिनिक पर छोड़ आया मैं। और फिर क्या होया, गाड़ी खड़ी कर दी और सामने जाना था अपने रोहतक। तो तैयार हो लिए, बैग बुक उठा लिए और नीचे जाकर गाड़ी स्टार्ट करी। फिर वो एक पजामा कुर्ता, फिर मैंने पजामा कुर्ता पहना था और सामान सामान उठा के फिर हम गाड़ी में बैठे। तो गाड़ी फिर स्टार्ट को नहीं हुई, मैं ओहो इसकी तो बैटरी है बोलगी। फिर दोबारा से सामान अपना रख के फिर मैं गया मैकेनिक दो रहा, मैं यार ही फिर स्टार्ट करे उस गाड़ी ने। तो वो स्टार्ट करके गया गाड़ी ने, तो फिर मैंने सोच लिया मैं कहाँ ये रिस्क को नहीं ले वहाँ ई बापा इसकी बैटरी है दरवा लिया। तो 5000 रुपया में, हाँ बीच में एक आधी क्लिप दिखा देंगे कि क्या हुआ था, स्टोरी सुना रहे हो पर तो भाई पूरे एक टाइम लाइन से बना रहे होंगे किस तरीका से क्या हुआ, उसके बीच में वीडियो आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम वीडियो लंबी वाली क्यों नहीं बना रहे क्यों नहीं बना रहे, हमने वो ये देखनी है। तो भाई हमारा फोन खराब हो रहा है जिसमें हम वो ब्लॉग बनाया करते, ये एक के फोन है हमारे पास जिसमें हम दोनों ब्लॉग नहीं बना सकते क्योंकि इतना तो इतना टाइम होता और दोनों क्यों कर बनाओ, एक बार वो शूट ले एक बार वो शूट ले, तो उस वजह से हमारा वो ब्लॉग नहीं बन पा रहा, थोड़े दिन का इंतजार हो रहा है। जो वो मेरा पुराना फोन था उसकी क्वालिटी आपने देखे रखी है किसी है, उसमें तो बनाए ना बनाए बराबर सी बात हो जाए है। तो दोबारा तो अभी मैं कोशिश करांगे दोबारा, तो जिस तरह पहला कंटिन्यू चल रहे थे मैं दोबारा तो कंटिन्यू करांगे अपने ब्लॉग से। हाँ मैं कड़े पूछ रहा था फिर वो 5000 रुपया में बैटरी दरवा के जाया मैंने। जी हम बीच में छोड़ दी थी बात, हम आ गए थे क्लिनिक पे क्योंकि आज उनकी चढ़ता हरियाणा उनकी ऑफिस की ओपनिंग है आड़े अपने बराबर में ऑफिस करया है। हाँ तो हमें उड़ जाना था, मैंने अपने पेशेंट देख लिए, इब हम खातर पहले गिफ्ट लेके आवांगे फिर हम जावांगे उनकी ओपनिंग पे। ओपनिंग तो 10 बजे थी वही आपको पता है, बोले मैम बाहर जा रहे थे तो उन जिस टाइम पे टाइम लग गए तो एक बार जरूर आ जाना। तो एक बार हमारे माटी गोल तक कुछ देख के आवा उन खातर और उसके बाद दिखाते हैं आपको उनका ऑफिस। और उरे बहुत सारे आइटम थे, समझ में को नहीं आया के लेवा के नहीं, एक तो एक बढ़ गए सारे सब बढ़िया, कंफ्यूज हो गए इतना सौदा देख के कि भाई कौन सा लिया जावे कौन सा नहीं। फाइनली एक दो सोनिया ने पसंद आए फिर वह उनमें कंफ्यूज हो गई, अब यो लेऊं अब वो लेऊं, देखा बाकी मैम ने आप भी देखो आपने कौन सा बढ़िया लग गया। मेरे को ये पसंद आया है, आप लोग भी बताना कमेंट करके कि आपको कौन सा पसंद आया, इनमें से दिखाना वो पेन स्टैंड भी बहुत सुंदर है ना, ऐसे तो अच्छे हैं बिल्कुल पेन स्टैंड है ये सारे। हां ये सारे पेन स्टैंड हैं, ये तुम खुद कोई गिफ्ट कर लेती है कि इनमें से देखिए कर ले फिर ले जाएंगे एक दिन है ना, ये वाला देखिए कितना सुंदर है बिल्कुल सुंदर सुंदर है ना। और ये उधर शायद पॉट होगी वो फ्लावर पॉट। चलो मैंने तो फाइनल कर लिया ये वाले बुद्धा जी, ये हम गिफ्ट कर देते हैं
और जब भी आपको मौका मिले यहाँ आकर विजिट जरूर करना, आपके आभारी रहेंगे क्योंकि जो भी है आपके प्यार से और आपके आशीर्वाद से ही इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं। और बिल्कुल फैमिली कंटेंट है भाई, अगर मतलब फैमिली में बैठ कर आप अपना कंटेंट देख सको, ये नहीं है कि चैनल पे कुछ भी आ गया, बहुत बढ़िया कंटेंट देवे पब्लिक ने। और सेवा का मौका जरूर दियो भाई, अपना नंबर है 999204010। तो शाम का टाइम हो गया है सोन का, उससे पहले सोचा कि व्लॉग जो है वो कंटिन्यू कर लें, अपना पूरा कर दें उसने, क्योंकि दिन में तो फिर टाइम को लग गया, वो चढ़ता हरियाणा का उड़े चले गए थे, क्लिनिक गई आगे व्लॉग एडिट करें तो कड़ा रहे थे अपना कि हम रोहतक जाने का प्लान कर लिया था हमने शनिवार ने, तो हम पहुँचे आड़े तक लिकड़े, जब गाड़ी की बैटरी चली गई फिर दोबारा बैटरी डलवाई उसमें नहीं, फिर हम लिकड़े, तो हम लिकड़े हम पहुँचे उड़े लगभग 7:45 के आसपास, है ना। मिले मोहित है, पहले हम पेंटालून चले गए कि कुछ शॉपिंग कर लेंगे, उड़ते एक दो चीज़ खरीदी, बीच बीच में क्लिप दिखा देंगे आपने छोटी छोटी, क्योंकि ये वाला व्लॉग शूट कौन करा था, मैंने शॉर्ट वाला व्लॉग शूट करा था उड़े, लेकिन वो क्लिप डाल देना ठीक है, कल एडिट थोड़ा सा ध्यान रखना शॉर्ट वाले पकड़ना है। हाँ तो उड़े पहुँचे पेंटालून में, कई सारे फॉलोअर मिले, बड़े खुश थे हम उस टाइम तक। फिर हम मोहित, छोटा मोहित मिल गया हमने, हम डी पार्क पर घूमे, खाया पिया बढ़िया, फिर हम चले गए, सतेंद्र की छुट्टी होगी उसने लेके हम पहुंच गए मन्नत हवेली पे। मन्नत हवेली पे हमने डिनर करया और उड़ते हैं हम, फिर वापस आए, ये बोले कि चल तने रिंपल का छोड़ावांगे हम और हम वापस आ जाएंगे, तो हम सारे चाल पड़े। तो जैसे ही हम हिसार बाईपास पर पहुंचे आराम से था, मैप मतलब लगा रखा था मैंने, मैप में साफ दिखा रहा था कि भाई 100 मीटर की दूरी पर 150 मीटर की दूरी पर यू टर्न है, मतलब हम इतने आराम से चल रहे थे। हाँ कि बात करा थे, न्यू लगा था कि हाँ मतलब कुछ था ही को नहीं, यू टर्न लेना था हमने, यू टर्न लेना था तो वह स्पीड मुश्किल से 20 की या 30 की स्पीड होगी। हाँ तो इंडिकेटर दे रखा क्योंकि वो हमने एक मिस कर दिया था वो टर्न। हाँ। वो तड़के देख के हम आसान भी थे, मगर यो टर्न था, अगर इसमें ले लेंदे तो एक्सीडेंट भी को नहीं हुआ था। हाँ। वो हमने टर्न मिस कर दिया, उसके बाद यू टर्न लेके आना था, तो हमने उड़ा तम उड़न लगा साफ साफ दिखा होता कि 100 मीटर की दूरी पर भाई यू टर्न है। तो उड़ा यू टर्न लेने खातर जैसे ही हमने टर्न लिया तो शायद हमारा ये एक लेफ्ट वाला कूना गाड़ी का बार था, लेफ्ट वाला थोड़ा सा बार था। हाँ मतलब जो है कि अगर वो स्पीड मेरी थोड़ी फालतू बनती ना तो मैं लिकड़ जाता। हाँ तो एकदम से एक आवाज आई धक्के की, हम सोचे कोई बाइक बुई काले ने मारा है पीछे, क्योंकि भाई इतनी एक हो अगर ना वो करड़ा वाला झटका कौन था, है ना, तो धीरे से झटका था थोड़ा सा, मन ने पीछे मुड़ के देखा तो एक मन ने तो जब मेरा पट गया था वो जो शीशा था उस शीशा में एकदम लाइट लगी और वह बंद होगी। अच्छा ये लाइट खड़ा गायब होगी और मन ने बेरा बटा, मैं तो धक्का लाग दी, मैंने पीछे मुड़ी और वह गाड़ी पलट दी दिखी, मैंने गाड़ी साइड में कर दी है हमने और परला भाई था, हमने दिखे है कितनी गाड़ी की है ऊपर, तो फिर अपनी पुलिस की कार्रवाई था हमने बेरा है कितनी तगड़ी है कराया करें टेम पा की हमने इंटिन्यू कही, एक बार उसने चेक तो कर लो वो कितनी दारू पी रहा है, लेकिन इनने कोई ध्यान को नहीं वो के कर रहा है के नहीं कर रहा है, और वाय होया अगर जिसका साधन के गणी चोट लाग जाए उसकी गलती मानने ले हैं ये लोग। मारी गाड़ी थी आड़ है इस जगह पर, हमने दे रखा था इंडिकेटर और इंडिकेटर दी दी इस भाई ने हमारे पीछे तो मारी है और पीछे तो मार दी इसकी गाड़ी पलट गई और ईब तो हमने बेरा हाँ गए, देखा है कि कार्रवाई होगी
इंडिकेटर कौन दे रहा है, मारी गाड़ी का इंडिकेटर भी चढ़न लग रहा है। तो भाई जी आपने बात कर ली, पुलिस आओ है भाई, हम बातें कौन करा, जब तक तेरे से बातें करा थे हम। अपना सिस्टम हो गया, यू क्यों बजावा अगले बजावा का बजावा, इतनी बड़ी तो गाड़ी को ले रहा यार, कतारम तो मोड़ा का भाई, दारू पीन साल तो को नहीं आओ, 2 किलोमीटर भाई, दारू का तो मेरा पट्टा कौन कुछ पी रहे, हां दारू का तो मेरा पट जाएगा भाई। उसको तो मड़ी ही ला रही गाड़ी, जो सब पलट गई तो के कोई बात को पूरे यूटर्न मारा थे, खुद ने बचांदा होगा ना भाई तू, ब्रेक तो लागे सर क्यों खुली है जब भिड़की भाई, एक बार साइड में हो जाए, गलती है भीतर बैठे बैठे सबसे पहली फीलिंग आई वो गया भाई, वहाँ पाछा चोट चाट तो होने लगी, और फिर पाछा मुड़ कर देखा मैं हैरान रह गया, गाड़ी पलटी पलटी थी, मैंने भी वो पलटे खांदी देखी थी वो गाड़ी, हाँ मैंने भी मतलब देख ली थी शीशा में, मैं कहा पलट किस तरह गई रे, या पलटिया तो अपना बिरा नहीं कितना के नुकसान, या गई तो अपनी गाड़ी भी गई पीछे, हम उतरे बाज की गए उस आदमी दो रहे तो ठीक था, वो नीचे उसके शीशे टूट रहे थे गाड़ी के, हाँ, वो बोला रहने दो फिर हमारा थोड़ा सा तसल्ली हुई दिल में कि चलो, पर उसको कुछ अभी कल्ला है तो दूसरा आदमी भी इतना कल्ला है, बोला ना कल्ला ही हूँ, हाँ, तो जब न्यू थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो भाई जान बची तो लाखों पाए, हाँ, और एक अंकल था SBI बैंक था शायद, पुरानी SDFC बैंक था, उसका सिक्योरिटी गार्ड था, वो भी शामी बैठे बैठे देखने लग रहा था, वो बाजा बाजा आया, बोला गाड़ी पलट दो या ठीक सीधी कर दो सीधी कर दो, लेकिन उस आदमी ने कोई इंटरेस्ट नहीं था सीधी करने, मैं लिकड़ जाऊँगा मैं लिकड़ जाऊँगा, तो लोग आ गए थे इतनी देर में बाज बूझ गई, वो आदमी लिकड़ लिया बाहर, बाहर लिकड़े पाछे देखी हमने भाई की हालत, भाई ने न्यू कौन मेरा हो के रहा है, इतनी दारू पी रहा था और इतनी ड्रिंक कर रखी उसने कि उसकी आंख लाल, उसने न्यू नहीं बेरा के हो गया के नहीं होया, वो के कहने लग रहा है, वो ने बोला कि भाई एकदम तो हमने ब्रेक मार दिए, ब्रेक मारे इंडिकेटर कौन दिया, मखा भाई इंडिकेटर कौन ही दिया, हमारी गाड़ी बीच में खड़ी उड़े जड़ा एक्सीडेंट होया, मखा देखी भी इंडिकेटर चलन लग रहा है हमारी गाड़ी का, तो है नहीं एक बार तन्ने गाड़ी ठोकी है फिर मेरा दिमाग में मैं इंडिकेटर चला दूं, तो फिर उड़ा वो है जो भीड़ इकट्ठा हो जाए, अगर वह इकट्ठी होगी बेरा वो दारू पी रहा है, वो कुछ कर नहीं सकता, मार गलती उसकी है, नुकसान मारा हो रहा है गाड़ी का, उसका तो चलो हो ही रहा है, उसका तो होना था दारू पी के चलावा, अपने गल भिड़के नहीं होना था, टुकड़िया और होना था उसका, उस पर ब्रेक ही कौन लग गया, हाँ। फिर पुलिस आ गई, पुलिस आई आधा घंटा पछे, मतलब जब कोई मरना हो ना आदमी तो इतना मर गया, हाँ आधा घंटा का मतलब, वो राइडर तो पहला ही लिए थे, वो राइडर उसने क्या करया, वो बोले मारा बस मारा वो हाथ में को नहीं, मारा मैक मम को नहीं आंदा या फिर मारा एरियम को नहीं आंदा, मैं तो डायल कर दूंगा 112 ने बुला लूंगा, हाँ मतलब एक तो वो कहा करे ना अपने देश में आप पुलिस ने बुला के है ना सेफ फील कौन कर दे, उन्होंने बुला के ना लागे यार एक और पंगा कर लिया ये और आ गई है, तो हमारे भी यही फीलिंग थी सेम, मैं यार ये और आ गई सारी रात खाली करवाओ मैं, अच्छे भले करने चले जाऊं, और लेकिन लोग चौधरी बन जाए, दूसरे ने एंटरटेनमेंट हो जाए किसी का में हो रहा हो तो उड़े, एक मेरा सब तगड़ा छोनी उठा उड़ा दुनिया, हाँ भाई आप तो डॉक्टर सोनिया रारो मखा वो हूँ भाई, एक आदमी आया बोला सेल्फी दे दो मैडम आपके साथ, भाई तू हमारी सिचुएशन तो देख के हो रही है, रात का टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं और आड़े गाड़ी का नुकसान हो रहा है, बच गए हम हैं तो हमने सेल्फी की पड़ रही है, तो चलो जो भी है अगले का इतना ही दिमाग होगा है, तो फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वाले का भी मतलब सबसे गंदी बात जो पुलिस वाले की है ना वह यह है कि वह एक दूसरा के ऊपर टालन की, अगर भाई यो मेरा एरिया में नहीं आंदा, यो मेरा काम को नहीं, यो
आईओ हाँ उसका काम है, उसका दौरा फोन करूंगा, साहब का दौरा फोन करा तो साहब कम से कम आधे घंटे। दूसरी बात, मैं उड़ा वीडियो में थोड़ी देर तो खड़ी रही, फिर मैं देखा कि माहौल सही है, किसी का चोट कौन लाग रही भाई, गाड़ी का नुकसान है, महा चलो कम से कम वीडियो तो बना लू प्रूफ के तौर पर, हमारी गाड़ी आड़े थी, इंडिकेटर जला था, भाई ने दारू पी रखी है, कम से कम हमारे पास प्रूफ होना चाहिए भाई। जो उन पुलिस वाले का जलेवा उठे उस बात का कि मैं व्लॉग क्यों बनाऊ हूँ, मैं व्लॉग क्यों बनाऊ हूँ, मतलब वह बंदे ने उन कोई काम नहीं, सिर्फ मन ने देखे मैं अगे अब व्लॉग बनावा, भाई मैं बनाऊंगी, यो मारा काम है, हैं मारा काम भी नहीं भी रखी है। इंडिया का कानून इतना वो है कि अपनी गलती को नहीं, या भी बात अपने साबित करनी पड़ जाए, करनी पड़े हाँ, कि या बात गलती ना करनी है ने, साबित करनी पड़े कि मेरी गलती कौन थी हाँ। है मैं दुखे ही हो रहा था मेरे तो उड़ खड़ी का कि उनकी मैंने बात सुननी पड़ रही थी कि वीडियो ना बनावे न्यू ना करे, बार बार एक्सप्लेनेशन देनी पड़े हमारा कि वो है, बार बार एक्सप्लेनेशन देनी पड़े कि खास कर जो चौधरी आदमी आ जाए इधर उधर तो उन ती कि हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, है? अरे का तो उड़े भी इतना गंदा आदमी था जो नहीं हुआ था, तारी गाड़ी का तो किम्भे को नहीं होया, तारी गाड़ी तो कौन पलटी, क्यों पलटे भाई हमारी गाड़ी, हमारी को नहीं पलटी तो भाई बड़ा गंदा बिहेव है लोगों का, दूसरे का गाड़ी जहाँ तक नहीं पलटी, ना तो हम दारू पी रहे थे ना हम तेज चला रहे थे, जहाँ तक कौन पलटी भाई हमारी गाड़ी, अगर मेरा व्लॉग देखते हो गए तो तारा समझ आ जाएगी, और मैं पक्का देख दे पाऊंगे, जो ये क्वेश्चन करे थे ना उड़ा की तारी गाड़ी क्यों कौन पलटी, न्यू कौन बल्टी भाई हमारी गलती कौन थी, फिर बस फिर पुलिस वाले आए, उनने फोटो फोटो उतारी, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो लिख लो कि चलो थाने में हाँ, वो तो भाई वो बेरा को नहीं, वो खुद गया है, उनने कह दिया कि जा दिया कि जा तू सवेरे आ जाइए सुबह आ जाइए, क्यों अगर रात में ले जाऊं तो उसका मेडिकल करना पड़े, आमने कौन बेरा केस ही होया, लेकिन वो आदमी आमने दोबारा कौन दिखा उन्हें हाँ। जब पुलिस वाले आए आमने आदमी अपनी कोई गलती नहीं है और कुछ नहीं, पुलिस वाले बोले चलो थाना में जा, लेकिन मतलब हमने वो भाई दिखा है वो नहीं दोबारा, जो वो गाड़ी थाना में गए मामोड़े बिठाए मारते बात करी, और वो आदमी है कौन जिसकी गलती थी, वो आदमी था है वो नहीं, वो तो बाज गया भाई, वो तो दिखा नहीं हमने पुलिस आए पास दोबारा, तो उसके बाद उनने कुछ नहीं करवाया, इन पे एक कोरे कागज पे लिखवा लिया कि ऐसे ऐसे हम वहाँ से हैं, ये फ़ोन नंबर है, और हम ऐसे आ रहे थे यू टर्न ले रहे थे, पीछे थे एक गाड़ी वाला ने हमारे लापरवाही थे गाड़ी में मार दी, बोला इत जाओ था, बोला इत जाओ कल बात करेंगे, उसने भी मतलब दो ऑप्शन दिए, जो कानून है अपना वो थोड़ा सा इसे टाइप का है कि भाई अगर आप कानूनी कार्रवाई करते हो तो भाई इस चीज में यो प्रोसीजर है, यो आपने फॉलो करना पड़ेगा, आप FIR करवाओगे तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर आप समझौता करोगे तो ये करना पड़ेगा हाँ, तो दोनों ऑप्शन बताओ भाई, अब क्या ऑप्शन आपने क्या कार्रवाई करनी है, ये करना है, तुम्हारे तो पहले डिसाइड करना था क्या कार्रवाई करनी है, इसमें कुछ नहीं कार्रवाई करनी भाई है, वही वही बात है, मैं तो नहीं कहूंगी कोई, जिंदगी बहुत कीमती है, खुद की भी, अगर तुम रोड पे चलो तो दूसरे की भी, क्यों तारी तो एक छोटी सी गलती, किसी का पूरा परिवार खत्म हो जाए, कोई आदमी मर जाए, तो यार चाहे दारू पी लो तो हमने पीनी है, लेकिन दारू पी के तुम ड्राइविंग तो ना करो, एटलीस्ट तुम ड्राइविंग तुम टैक्सी ले लो, तुम सोच ही चल रहे उनमें चले जाओ, मतलब तुम छतरी बनोगे, तुम दारू पियोगे फिर तुम गाड़ी चलाओगे, वहाँ तो हमारी गाड़ी थी, गाड़ी अब मारी जगह कोई बाइक काला होता मर जाना बेचारा, और पक्का मरता वो बाइक काला होता तो नहीं, फिर तुम मान बनोगे की है ना गाड़ी मैं ले जाऊंगा करने है, जिसमें तुमने न्यू कौन बेरा की ब्रेक भी मारने है गाड़ी में है, तो मैं तो उड़े उठ के छो उड़े खड़े होगी छो नहीं उठ रहा था है, एक बंदा दारू पी रहा है उसने हमारी गाड़ी ठोक दी और बाज गया वो है, जो शरीफ आदमी है जो से कोई रोल नहीं, हम भाई का नुकसान हो रहा रात का थाना में लेके जाना है, उनकी ऑप्शन दे मैं बता मुके करना चाहो, मम तो भाई कुछ नहीं करना चाहते, अपना जो है कोई कार्रवाई की मम ने कोई जरूरत को नहीं, के कार्रवाई करनी होती अरे कुछ कार्रवाई का नाम पे के नाम है के बरा पांच चक्कर तो रोहतक के कटवा दे हैं, अरे जो बोलते दो दो तीन तीन हजार रुपया का तेल लग गए, इतना नुकसान तो उस गाड़ी ने ठीक कराने में को नहीं होगा, इतना चक्कर काट काट के हो जाएगा, सबसे बड़ा जो अपना इंडिया में कानून व्यवस्था है उस आदमी ने इसे बात डर ला गया कि भाई ये चक्कर इतने कटवा दे हैं, कभी कुछ रह गया कभी कुछ रह गया है, कभी राइट फोन करके निभा दे एक साइन करना रह रहा है, जो साइन करना हर तरह का स्पेशल साइन करना हर तरह आदमी इतने दूर आ गया अपना काम छोड़ के खर्चा लगा के, बस इन्हें बातों से डर ला गया और गेंद बाकी जो भी है
कि जान बच गई, गाड़ी का जो नुकसान होया वो होया, लेकिन जान बच गई मारी भी और मार तगनी उस भाई की। मारा तो यो डर था, मैं तो वह गाड़ी पलट दी दिखी मखले भाई गया, ले भाई गया, इब के करांगे है मेरी जमानत करवानी पड़ा है कोई थोड़ी मानता था भाई। तो बड़ी दिली खुशी हुई मेरे जब वो भाई बाहर निकल आया। मां चोखा मन तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करे उस टाइम थोड़ी सी भी चोट कम लाए करे हां भगवान करे ने वो अगर कोडी मानस्ता तो भगवान भी डरे है जो सारे ये उल्टे काम करे वो तो उनका तो भगवान भी कुछ को नहीं बिगाड़ सकता। इस शरीफ आदमी जो से की जरूरत हो है जमा पूरा परिवार डिपेंड करे है उनका ही बिगड़ा है जो से ये दारू पी के फिर है नाम ते कुत्ते पड़ दे शरीफ आदमी तो कुत्ता ही पड़ ले होता तो कुत्ते भी डर है। तो मैं तो भाई जो भी रिक्वेस्ट ही आए है कि दारू पी लो भाई फन खातर पीवे दुनिया, लेकिन कम तक मैं यार पी की गाड़ी तो ना चलाओ यार है तुम रोड पे चल रहे हो तारी वजह तो कोई दो आदमी मर जाए तुमने बेरा ही तुमने तड़के ही हो जब बेरा पटक तुमने दो आदमी मार दिए है भाई तड़के उस भाई ने भी बेरा पटाया हुआ गाड़ी पलट गई है रात में तो चल कौन बेरा पटाया होगा उसने। चलो कोई नहीं जैसा भी है तो यह सिचुएशन हुई रोहतक हमारे साथ। उसके बाद की अपडेट अगले व्लॉग में तुमने दे देंगे कि के रहा और अगला दिन के कार्रवाई हुई के करया के कार्रवाई हुई। और हमारे बहुत सारे कमेंट आने लग रहे हैं कि बड़े व्लॉग डालो भाई हमारा फोन खराब हो रहा है तो जहाँ तक हम डाल पा रहे थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत जल्दी हम बड़े व्लॉग भी शुरू करांगे दोबारा। तो बाकी जुड़े रही हो मोहित सोनिया व्लॉग के साथ। और रात हो गई है टाइम हो गया है 12 बजे का और तीन रात की नींद है तीन रात की नींद। उस दिन रात में ये आए फिर बेरा कोनी मैं रिंपल का चली गई और रिंपल गल्ले की बनी मैंने उसका एक्सीडेंट होंगी वहां मेरी बाट दिखी थी क्यों मैंने उसका फोन कर रखा कि यू टर्न लेवा हाँ माड़ा धाम ने पहुंचना है 5 मिनट लगेंगे। तो उसके फोन आवे बीच में मैंने फोन ठाकी नहीं गई कि मेरा हमारा एक्सीडेंट हो गया और मेरा फोन बंद हो गया जब बैठे मैं मखा यार छोरी कितनी टेंशन हो रही होगी हमारा फोन बंद हो गया और किसे पर नंबर भी नहीं मार पाए किसे पर नंबर नहीं उसका मेरा वह नंबर है तो मारा कितनी टेंशन मेरे न्यू टेंशन मखा छोरी कितनी भड़क ले रही होगी कि एक्सीडेंट हो गया उनका और फोन बंद हो गया ना उस पर किसी का नंबर ना मेरा पर और किसी का नंबर। उसने बेचारे ने कोई पड़ोसी भेजा देखने खातर है आखिर में और फिर मैंने उसकी लोकेशन लगा रखी थी मेरे उसका घर याद नहीं तो मोहित छोटा वाला मोहित और मैं ये दोनों तो सतेंद्र और मोहित तो चले गए थे थाने में हम दोनों ने हर गली में बड़ के उसका घर टोया रात ने। और यार सोनिया पहला गई हुई थी तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया था इसमें तो लेकिन मेरे याद भूल रहे हमने उसका घर ढूंढा फिर हम गए तो ऐसे ऐसे बनी। और उस रात की नींद उस दिन रात में नींदे को नहीं आई फिर मैं तो सोई 4:15 बजे और सुबह 6 बजे फिर आँख खुल गई बड़क में। उसके बाद कल हम चले गए पूरे दिन हम घूमे और शाम ने फिर एक इमरजेंसी हो गई तो हम भिवानी चले गए किसी की डेथ हो गई थी तो जाना पड़ गया भिवानी पहुंचे हम शाम ने फिर उड़े बाद बुद करेंगे उड़े बज गए 12 सुबह फिर हमने जल्दी कैथल लाना था 5:30 बजे उठ लिए फिर उल्टे कैथल आए आज पूरे दिन यू टेम को लग गया तो आँख मिचन लग गई शक्ल तो बीमारी शक्ल पर 12 बज रहे हैं जो उसका तो हमने बेरा पटे रहा होगा। चलो जो भी है तो मन्नी ना बूंदे आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। चलो जी टाटा बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट।